धरती पर जल यदि जीवन का आधार है तो हरियाली वह आवरण है जिसे ओढ़कर सृष्टि सांसें लेती है। इसलिए जल और हरियाली दोनों की डोर थामकर प्रकृति की छत्र छाया में ही संपूर्ण जीव जगत के जीवन की कल्पना की जा सकती है। किंतु विकास के शोर में जब हमने प्रकृति की पुकार को अनसुनी कर दिया तो यही कृपा कोप बन गई। जल जंगल जमीन का दोहन तो भरपूर हुआ किंतु उनका संरक्षण नहीं हो पाया। औद्योगिकीकरण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सामने आया और ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु परिवर्तन की पटकथा लिख दी। हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो जलवायु परिवर्तन से हम ही परेशान होने लगे। हरियाली रूठी तो बादल रूठ गए। वर्षा की कमी से धरती की नमी छिन गई। भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने लगा और पूरी दुनिया जल संकट के चौराहे पर खड़ी हो गई। कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा एक दस्तूर सा बन गया। जलवायु परिवर्तन के चिंतित करने वाले परिणामों में मौसम की अनिश्चितता, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा और जल की कमी प्रमुख हैं। और यह सारे परिणाम जहां सबसे अधिक चोट कर रहे हैं वह है कृषि क्षेत्र, जिस पर भारत की बहुत बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए आश्रित है। संकट में बिहार भी है, जहां 81% जनसंख्या कृषि पर जीवन यापन करती है। एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जलवायु परिवर्तन के दूरगामी प्रभावों से राज्य की वर्तमान आबादी एवं आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019 में बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। जीवन के एक तरफ जल है और एक तरफ हरियाली है। जल और हरियाली के बीच में ही जीवन है। अगर जल और हरियाली नहीं रहेगा तो जीवन संकट में आएगा। इसलिए अगर जीवन को सुरक्षित रखना है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु, सबके जीवन के लिए जल और हरियाली की नितांत आवश्यकता। जल जीवन हरियाली अभियान से पर्यावरण का संरक्षण होगा, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा उसमें कमी आएगी, प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा। पौधारोपण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा इस अभियान के प्रधान स्तंभ हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाकर प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम कर पर्यावरण संतुलन स्थापित करते हुए हर आम और खास को वृक्षारोपण गतिविधि का हिस्सा बनाना। पृथ्वी दिवस यानी 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधों के रोपण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए एक मिशन का ऐलान हुआ। नाम दिया गया 2.51 करोड़ पौधारोपण। बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्रफल मैदानी है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और कृषि भूमि पर दबाव के कारण प्राकृतिक वनस्पति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर के मात्र 7.3% हिस्से में वन क्षेत्र है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के कुल 33% हिस्से पर वनों की उपस्थिति पर्यावरण के लिहाज से श्रेष्ठ मानी गई है। चूंकि प्रदेश में परती जमीन की किल्लत है, ऐसे में वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करते हुए वर्ष 2011 से 2019 तक तकरीबन 22 करोड़ पौधारोपण किया गया। इसी का परिणाम है वन क्षेत्र के बाहर भी वृक्षों का फैलाव लगभग 7% क्षेत्रफल पर हो गया है और नोटिफाइड वन क्षेत्र को शामिल कर प्रदेश में अभी ग्रीन बेल्ट का फैलाव 15% या उससे भी अधिक अनुमानित है। तीसरे कृषि रोडमैप 2017-22 में
राज्य में हरित वृक्ष आच्छादन को 15% से बढ़ाकर 17% तक करने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 से पौधारोपण कार्यक्रम आरंभ किया, जो पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को अपने लक्ष्य से भी बेहतर परिणाम के साथ परिणति को प्राप्त हुआ। मिशन 2.51 करोड़ पौधारोपण के अंतर्गत 3 करोड़ 47 लाख से भी अधिक पौधों से पृथ्वी का श्रृंगार किया गया। हालांकि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि 31 अगस्त तक पौधारोपण के इस आंकड़े को बढ़ाकर 4 करोड़ तक पहुंचाना है। लक्ष्य विशाल था, इसलिए तैयारी भी अचूक थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अलावा ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग समेत 15 विभागों के सुंदर समन्वय से ही यह सुखद परिणाम सामने आया। 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत के बाद से जनसहभागिता से वृक्षारोपण का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था। रोपे गए पौधों की सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक था लोगों का लगाव और उनकी भागीदारी। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के 70 लाख परिवारों का सहयोग प्राप्त किया। इसके अलावा 8,000 से अधिक पंचायतों ने मनरेगा के तहत 1,27,000 पौधे लगाए। वन विभाग ने अपनी योजनाओं के तहत वन क्षेत्र एवं वन क्षेत्र के बाहर करीब 1,20,00,000 पौधे रोपे। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की इकाइयों द्वारा कुल 2,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में रेलवे ने 3,90,000 और NTPC ने 3,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके अलावा बड़ी संस्थाएं जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब के साथ ही धार्मिक न्यास परिषद, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और गौशाला समितियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। NCC और आर्मी का भी सहयोग मिला। जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जीविका संगठन की 66,00,000 जीविका दीदियों को उनके द्वारा इच्छित फलदार प्रजाति के 67,90,000 पौधे उपलब्ध कराए गए। अच्छा तरह से घेरा लगाकर फट्टी को या जाली को लगाए हैं, उसको देखभाल अच्छा तरह से करते हैं। जैसे कि हम अपना बच्चे को देखभाल करते हैं, उसी तरह से हम पौधा को भी देखभाल करते हैं, ताकि आगे चल के वो पौधा जो फल दे या ऑक्सीजन दे, वो हम लोग को फायदा करे। ऐसे होइ छै कि पर्यावरण भी स्वस्थ रहै छै और जीविका के दीदी के आमदनी के भी स्रोत बनै छै। एकर देखरेख करबै तऽ अपना जे ई पौधा के बिक्री भी हो जतै और कुछ आमदनी भी होतै। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों को भी बड़ी संख्या में शामिल किया गया, जिन्होंने 17,19,000 पौधे निजी भूमि पर लगाए। अन्य विभागों एवं लोगों तक पौधों को पहुंचाने के लिए पर्यावरण एवं वन विभाग ने व्यापक रणनीति बनाई। मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए पौधे विकास के वाहनों द्वारा नर्सरी से ही प्राप्त कर लिए गए। जीविका दीदियों के लिए हर जिले में वितरण केंद्र बने। लोक उपक्रमों एवं संस्थाओं ने विभाग की नर्सरी से पौधे लिए और पौधे मोबाइल वैन से भी पहुंचाए गए। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग समय की मांग है। बिहार के कुछ हिस्से हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ में घिरे हैं। दूसरी ओर बिहार की धरती पर हरित आवरण को बढ़ाना भी समय की आवश्यकता है। पौधारोपण तो पूरे प्रदेश में हुआ, किंतु कोरोना काल में संक्रमण से बचने के स्थापित मानदंडों के साथ स्कूल और स्कूली बच्चों को इस अभियान से अलग रखा गया। मिशन की तयशुदा रूपरेखा के अनुसार 9 अगस्त को कार्यक्रम का औपचारिक समापन होना था। दरअसल 9 अगस्त एक ऐतिहासिक तारीख है। ये दिन भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में पूरा देश अगस्त क्रांति के रूप में मनाता है। वह भारत का अस्तित्व बचाने की क्रांति थी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौती ने पृथ्वी और संपूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को आज खतरे में डाल दिया है। पृथ्वी और पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक क्रांति की आवश्यकता है।
इसी को रेखांकित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर 9 अगस्त 2011 से बिहार पृथ्वी दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। इस दिन पर्यावरण सुरक्षा को लेकर प्रदेशवासी संकल्प लेते हैं। इस बार पृथ्वी दिवस पर पूरे राज्य में पौधारोपण कर पृथ्वी को बचाने के संकल्प को पूरा किया गया। एहतियातों के साथ पूरा प्रदेश धरती को बचाने के संकल्प के साथ आगे आया। पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर लोग प्रकृति के साथ रिश्ते को जिंदा करने में जुट गए। राजधानी पटना में इस दिन लगभग 65,000 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक दीघा पथ पर पाटली का पौधा लगाया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव सहित सभी मंत्रियों ने इस अवसर पर पौधे लगाए और अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जन जागृति का संदेश दिया। पूरे राज्य में करीब 25,000,000 फलदार वृक्षों के पौधे लगाए गए। छायादार पौधों को भी धरती से जोड़ा गया। उदास सी दिखने वाली धरती हरियाली की सौगात से निखर उठी। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज सभी जगह पर बिहार में 10,000 से ज़्यादा स्थानों पर पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस और जो संपूर्ण क्रांति दिवस है उसके अवसर से हमने जो पौधारोपण कार्यक्रम प्रारंभ किया था आज उसका औपचारिक समापन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और पूरे बिहार में हम लोगों ने 2,51,00,000 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा था जनसहभागिता से। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जनसहभागिता हुई। 70,00,000 से भी ज़्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े और हम लोगों ने आज उम्मीद है कि अंतिम आंकड़े आज के आएंगे तो हम 3,30,00,000 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और इसके बाद भी हमारे जो बचे हुए पौधारोपण का है वो चलता रहेगा क्योंकि कुछ इलाकों में अभी बाढ़ है इसलिए उन इलाकों में अभी पौधारोपण का कार्य रुका हुआ है तो अंतिम आंकड़े मुझे लगता है 3.5 करोड़ से ज़्यादा होंगे। चूंकि 2.51 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य से सूबा आगे निकल गया इसलिए स्वाभाविक है कि जिलों का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा। रोहतास में लक्ष्य से 36%, कैमूर में 20%, सहरसा में 8, शेखपुरा में 7, अरवल और भागलपुर में 5, अररिया में 4 तथा नवादा और किशनगंज में 1% से अधिक उपलब्धि हासिल की गई। सीवान, गया और वैशाली भी लक्ष्यों तक पहुंच गए। पर्यावरण संरक्षण केवल इसी प्रदेश का प्रश्न नहीं है। जलवायु मात्र बिहार में ही नहीं बदली है, मौसम की मार से भी समूचा देश घायल है। इतिहास साक्षी है कि बिहार परिवर्तनों का सूत्रधार रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की तरक्की व खुशहाली के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनमें से कई योजनाओं को दूसरे राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रियान्वित किया गया है। ऐसी पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रदेश में अब व्यापक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जन जागृति आ चुकी है। पौधों की देखरेख भी अब आम लोगों के द्वारा ही हो जाएगी और वह दिन दूर नहीं जब धरती की दरारें मिट जाएंगी, भूमंडल की नमी वापस लौटेगी और समूची धरा को हरियाली के हवाले करने की यह मुहिम आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर देगी।